हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी स्लेट पेंसिल की, जो कि बच्चों में और बड़ों में बहुत क्रेज होता है इसे खाने का। लेकिन ये स्वाद तो होती है, भले ही ये स्वाद होती है, लेकिन इसे खाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो आज मैं उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँगी। सो सबसे पहला जो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसे खाने से हमें किडनी स्टोन हो सकता है, और क्योंकि ये इनसॉल्युबल होती है सो इसे खाने से कुछ हद तक हमें किडनी स्टोन हो सकता है। सो जितना भी हो सके इसे इग्नोर करें, ना खाएं। और दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है इसका वो है कि आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर जो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये हीमोग्लोबिन नहीं बनने देती है। सो जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी और आपका जो दिल है वो चिड़चिड़ापन उसमें आएगा। सो इसे खाना इग्नोर करें। और तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये बहुत तीखी होती है, और इसे खाने से आपके मुंह में कट आ सकते हैं, ये कट डाल सकती है आपके मुंह में, जो कि आपको बाद में स्पाइसी खाने में प्रॉब्लम आएगी। और इसका चौथा साइड इफ़ेक्ट है कि इसे खाने से जब आपकी जीभ है, जो कि आपकी टंग है, वो वाइट दिखने लगती है, और जीभ वाइट दिखे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जीभ वाइट। सो नंबर पाँच इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये इससे आप खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हजम नहीं होती है, और क्योंकि ये इस टाइप की मिट्टी की बनी होती है कि बहुत तीखी मिट्टी की बनी होती है, सो जिसे आपके डाइजेशन सिस्टम को ये ख़राब कर सकती है। सो आपको इसे खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो जितना भी हो सके इसे इग्नोर खाएं, इसे कम करें खाना, कोशिश करें कि इसे धीरे धीरे खाना छोड़ दें, क्योंकि ये भले ही स्वाद है लेकिन आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो आप आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।